यूपी की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में कुछ दबंगों ने एक पत्रकार पर उनके घर आकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले के बीच बचाव करने आए पत्रकार की सास और साला भी घायल हो गए। इतना ही नहीं, दबंगों ने मकान में तोड़फोड़ भी की है, जिसका पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। आरोप है कि हमला करने वाले दबंग शरीफ लोगों की भूमि पर जबरन कब्जा करने का कार्य करते हैं। पत्रकार पर हमला भी भूमि पर कब्जा करने को लेकर ही किया गया है, जबकि पत्रकार के परिवार के पास सभी तरह के कागजात मौजूद हैं। बता दें कि गणेशपुर निवासी पत्रकार प्रिंस शर्मा गणेशपुर में अपने ससुराल पक्ष के लिए मकान का निर्माण करा रहे थे। प्रिंस शर्मा का कहना है कि जिस भूमि पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है, उसके बैनामी से लेकर हरिद्वार रूट के विकास प्राधिकरण से मानचित्र पास कराने तक के सभी कागजात मौजूद हैं। लेकिन आसपास के कुछ दबंग लोग उनकी इस भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। वहीं प्रिंस शर्मा ने कहा कि पुलिस को तहरीर दे दी गई है, पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। जी, ये जो घटना घटी है आपके साथ हुआ आपके ऊपर, ये क्या मामला है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये दरअसल मैं सुबह घर से अपने फील्ड में, जैसे कि दो जाने निकलता हूँ, जा रहा था, तो मेरी ससुराल पास में ही पड़ती है, तो जो मेरे सास है और साले हैं वो अपने मकान का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और मकान पर आज लेंटर डलना था उनका, तो मैंने सोचा उधर जरा काम देखता चलूँ। तो जब मैं वहाँ पर रुका, काम वहाँ चल रहा था, मिस्त्री मजदूर काम कर रहे थे, इतने में 5-7-10 मिनट बीतते हैं तो कुछ काफ़ी लोग सामने से आते हैं, जिनमें कुछ लोग नकाबपोश लोग थे और कुछ लोग जो पहचान में भी आए हैं, नाम जो उनके नाम मैंने बताए हैं वो लोग थे। उन लोगों ने आते ही वहाँ पर तोड़फोड़ एकदम शुरू कर दी। और कुछ 2018 में रिटायरमेंट हुई, मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ कर दूँ, चलो उनके लिए रहने के लिए इनके मकान बना दूँ। मैंने जमीन खरीदी, उसमें कोई भी ऐसा कोई फाट नहीं है, जो कि जमीन के कागज सभी ओके हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैंने उसको मैंने नक्शा पास करवा दिया, मेरे सारे कागज ओके हैं। उसके बाद मैं भी अपना काम शुरू करने लगी। उसमें ऊपर से कोई 4-5 लोग आए और बांध के मुँह पे कपड़ा बांध करके आए और आके हमारे ऊपर हमला किया उन्होंने। आपके भी चोटें आई हैं? हाँ जी, हम हमारे भी चोटें आई हैं। हमने इतना मना करा, हमने कहा हमारे कागज तो